आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। विधानसभा में बीएसपी नेता लालजी वर्मा ने कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरते हुए बुलंदशहर में इंस्पेक्टर की हत्या का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। वहीं सीएम योगी ने कहा, बुलंदशहर की घटना विरोधियों की साजिश है। लेकिन उसके बाद भी प्रदेश सरकार अपराधियों को बचाने में लगी हुई है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उस इंस्पेक्टर की पत्नी श्री सुबोध कुमार की पत्नी ने कहा कि सबूत मिटाया जा रहा है, अपराधियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अपने लोगों को बचाने के लिए श्री सुबोध कुमार सिंह की हत्या को दुर्घटना बताने का प्रयास किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से जो मुख्य अपराधी है उसको गिरफ्तार करने का काम नहीं किया कर रही है और उसको बचाने का काम कर रही है। निश्चित रूप से इस विषय पर हम चाहते थे कि सदन में चर्चा हो। 311 की नोटिस दिया था, हम लोगों का आग्रह था कि इसको स्वीकार करके सारे नियमों को शिथिल कर इस पर चर्चा करने का काम किया जाए। आज उसी का परिणाम है। अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि अपराध पर नियंत्रण है। मैं कुछ आंकड़ा देकर आपको बताना चाहूँगा कि आज बड़े पैमाने पर अपराध बढ़ा है, और कुछ अपराधों का रिकॉर्ड का मैं उदाहरण देना चाहूँगा। 1416 से 3117 तक जो पिछले समय में दहेज मृत्यु की 2084 घटनाएं थी, अब 2223 घटनाएं हैं सेम उसी काल में 17 से 18 तक। बलात्कार जो है 2943 था, अब 3704 है। इसी तरह से सील भंग की घटनाएं 8159 था 1416 से 3117 तक, अब 11404 है। अपहरण की घटनाएं 1416 से 3117 तक 9828 था, अब 13226 है उसी कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। छेड़खानी के 495 के सापेक्ष इस कार्यकाल में 987। इसी तरह से महिला उत्पीड़न का 10219 घटनाओं के सापेक्ष 13392 घटनाएं। इस तरह से इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 1417 से 3118 तक घटित हुई है। अपराध की घटनाएं बड़े पैमाने पर बढ़ रही हैं। अपराध लिखने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने रोकने का काम किया है। आज तमाम घटनाएं अपराधी खुलेआम घूमने का काम कर रहे हैं, और इसलिए इस मुद्दे से सदन में चर्चा ना होने पावे भारतीय जनता पार्टी भाग रही है, जिसके कारण हम लोगों की सूचना को ग्राह्य करने का काम नहीं किया गया। नाकामी की वजह से बुलंदशहर की घटना हुई है। देखिए, बुलंदशहर की घटना एक साजिश थी, साजिश का पर्दाफाश कब हो चुका है। ये साजिश वही लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने प्रदेश में जहरीली शराब बनाकर के यहाँ को मारने का प्रयास किया था। ये राजनीतिक षड्यंत्र था, और राजनीतिक षड्यंत्र वे लोग करते हैं जो कायर हैं, जो आमने सामने किसी चुनौती को फेस करने की स्थिति में नहीं है। पैरों के नीचे की जमीन खिसकती हुई देख करके एक दूसरे को गले लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, और निर्दोष नागरिकों को वे लोग शिकार कुत्सित बनाने को कुत्सित शिकार पर अपनी साजिश का शिकार बनाना चाहते हैं। प्रदेश सरकार इस प्रकार की किसी भी साजिश को होने नहीं देगी, और सख्ती के साथ ऐसे तत्वों से निपटेगी और निपट रही है। प्रदेश के अंदर कानून का राज होगा, हर हाल में होगा। बुलंदशहर की घटना में शासन ने भी और प्रशासन ने भी पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई की है, और कानून के दायरे में रहकर के प्रदेश सरकार ने एक बड़ी साजिश को बेनकाब किया है। जो लोग दंगा कराना चाहते थे, गौ कसी करके अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना चाहते थे, उनके मंसूबे ध्वस्त हुए हैं। एक बड़ी साजिश को विफल करने के लिए मुझे लगता है जो लोग इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, वे अपनी विफलता को छुपाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। उन्हें सरकार की सराहना करनी चाहिए, सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल सदन जो नहीं चल पा रहा है सरकार।